हे hey दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो हम फिर से आ गए हैं फ्री फायर यूट्यूबर के न्यूज़ वीडियो को लेके। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं और ऐसे रेगुलर न्यूज़ वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कीजिए ताकि आपको रेगुलर न्यूज़ वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए अभी बढ़ते आज के पहले न्यूज़ की तरफ। तो आज का पहला न्यूज़ है ज्ञान गेमिंग की तरफ से। तो जब से लोगों को ये पता चला था कि फ्री फायर इंडिया आएगा तो उसके वजह से फ्री फायर का हाइप काफी ज्यादा बढ़ गया था। तो उसके बाद फ्री फायर इंडिया के लॉन्च डेट देने के बाद भी जो अभी तक फ्री फायर आया नहीं, तो उसके वजह से अभी लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि फ्री फायर अभी कब आएगा। और इसके ऊपर कई सारे यूट्यूबर्स ने फेक वीडियो भी बना चुके हैं जिसमें उन्होंने ये कहा कि फ्री फायर इस डेट को आएगा। तो इन्हीं सब चीजों के ऊपर ज्ञान गेमिंग गाना गाते गाते रिप्लाई दिया। वैसे ज्ञान गेमिंग का फ्री फायर लॉन्च डेट के ऊपर क्या कहना था, सुन लीजिए। फ्री फायर भी कभी अनबैंडेड बताओ, कभी लोगों को फेक वीडियो डाल डाल कर दादाजी का हो गया, डेट का पता नहीं कोई भी उठा के बोल देता है अनबैन अनबैन होगा आज, अनबैन अनबैन होगा आज, अनबैन। ना कोई पता है ना कोई रास्ता, फिर भी देखो फ्री फायर व्यूज के लिए व्यवस्था। भाई फ्री फायर इंडिया कब आएगा भाई? पता नहीं ब्रो यार, फ्री फायर इंडिया कब आएगा ब्रो? पता नहीं मुझे यार, मेरे भाई पता होता तो जरूर बोलते थे सर, नहीं पता यार। और इसके अलावा ज्ञान गेमिंग ने ये कहा कि अभी वो रैंक में टॉप 10 में होते अगर उनका आईडी 12 बार ब्लैकलिस्ट ना होता। जी हाँ, ज्ञान गेमिंग ने ये कहा कि उनका आईडी 12 बार ब्लैकलिस्ट हुआ था जिसके वजह से उन्होंने रैंक पुश करना छोड़ दिया। तो इसके ऊपर ही ज्ञान गेमिंग ने क्या कुछ कहा था, सुन लीजिए। देख फ्री फायर आ गया भाई यार, एक जो भाई यार एक साल में नहीं भाई यार, एक महीने में कमा लेंगे भाई, टॉप 4 में चल जाएंगे भाई, बस गिली वालों को हटा देगा भाई। फिर देख तेरा भाई रैंक में टॉप रहेगा भाई, मैं सब बता रहा हूँ, रैंक टॉप के अंदर रहेंगे, टॉप 1 की बात नहीं कर रहा, टॉप 10 के अंदर रहेंगे। जो फेयर भाई किल पे करता है ना, हां किल पे टॉप रहेंगे भाई यार, किल पे टॉप रहेंगे, एडब्ल्यू में टॉप पे रहेंगे। मैं बोलता रहा हूं, मैं किसी में से टॉप रह सकता हूं। देख इस बार जब हम लोग, मेरा आईडी जब 12 बार आईडी बैंड हुआ था उस समय हम लोग किल पे में टॉप में था, चेक क्रो ज्ञान बाय 355 विश्व गोल में टॉप पे, एडब्ल्यू में था भाई, 100 आईडी बैंड हो गया 12 बार, गया तेल लगाना भाई, फिर रैंक बच कितने था, टॉप पे था, पूरा दिन रात एक कर देता था उसका पूरा आईडी गया यार, कितना दिमाग खराब होता है। 12 बार आईडी ब्लॉक हुआ, 12 बार, एक बार दो बार नहीं, 12 बार कैसे आईडी ब्लॉक हुआ भाई, एक बार होता पता चलता है भाई यार। भैया बहुत हो गया था होगा ज्ञान भाई तब, इसलिए अरे अरे नहीं भाई, ऐसे ही ब्लॉक कर देता भाई यार, ऐसे ही कर देता, ऐसे ही कर देता, भैया की बात नहीं चला, ऐसे ही कर देता भाई दूसरे लोग। अब बात करते हैं एएस गेमिंग के बारे में। तो एएस गेमिंग के गूगल पे आईडी को किसने यूज करके शॉपिंग किया और उसका बिल एएस गेमिंग को भेज दिया और ये टोटल बिल था 24,000 का। तो ये पूरा सीन क्या हुआ था आप लोग खुद देख लीजिए। भाई एक बंदा, पता है पीयूष क्या कर रहा है, मेरे एक बंदा मेरे गूगल पे, मैंने यूपीआई आईडी सबको पता है ना मेरी, तो उस पे मेरे को बंदा 24,000 का रिक्वेस्ट भेज रहा है पे करने के लिए गूगल पे पे 24,000 का, पता नहीं बंदे ने क्या खरीद के रखा है और मेरा यूपीआई डाल के रखा है और उसमें एक्सेप्ट करने का था ना गूगल पे में, वो आ रहा है, बिग बिलियन डे चल रहा है ना, तो बंदे ने शॉपिंग कर ली होगी और मेरे, ये देखो लाइव पे दिखाता हूँ, ये देखो गाइस, ये देखो भाई, ये देखो, अरे क्या क्या बंदे 24,000 का वो भेज के रखा है मेरे को, 24,058 रुपीज का। गाइस क्या करे, पे करे क्या, पे करे या नहीं करे, और इसके अलावा एज गेमिंग का कल 20 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया और वो फ्री फायर में टोटल गेमिंग के बाद दूसरे यूट्यूबर बन गए जिनके सब्सक्राइबर 20 मिलियन क्रॉस कर लिया। तो 20 मिलियन होने पर एज गेमिंग को हमारे तरफ से मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। बात करते हैं डेडी गुलिंग के बारे में। तो बहुत ही जल्दी ही डेडी गुलिंग अपना फेस रिवील करने वाले है। दरअसल उन्होंने अपने एक वीडियो में कॉमेंट करते हुए ये लिखा कि जब उनका 2 मिलियन सब्सक्राइबर कम्प्लीट होगा तब वो अपना फेस रिवील करेंगे। वैसे 2 मिलियन होने के लिए उनको ज्यादा सब्सक्राइबर की जरूरत नहीं है, तो ऐसा लगता है कि ही दिनों के अंदर ही उनका 2 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएगा। और आपको शायद ये पता होगा कि इसराइल और हमास के बीच वॉर चल रहा है और इस वॉर को इसराइल पैलेस्टाइन वॉर भी बोल सकते हैं। और इस वॉर में अब तक काफी सारे बच्चे और औरत के साथ ही काफी लोगों का मौत हो चुका है। तो इसी चीज के ऊपर जब बिंजेट गेमिंग की स्ट्रीम पे बात हुआ तो उसके ऊपर बिंजेट गेमिंग ने क्या रिप्लाई दिया था, देख लीजिए। अभी जो चल रहा है ना फलस्तीन और इसराइल में, ठीक है, इसराइल व्हाटएवर इट इज, आई डोंट नो, तो कुछ लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, मैं इतना ही बोलूँगा, ठीक है।
ऊपर वाले जिसने जुल्म किया होगा ना उसको नेस्त तो नाबूद करना, ठीक है, जिसने जुल्म किया होगा, ठीक है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बाकी अपनी अपनी सोच है सबकी, है ना, जिसने भी जुल्म किया होगा, नहीं मतलब जिसने जुल्म किया होगा वो नेस्त तो नाबूद हो जाए पूरा, ठीक है, बस। क्योंकि जालिम जो है ना भाई वो ना बचना नहीं चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। लेट्स गो, लेट्स गो। कोशिश करना बेकार है, इसराइल विल डिस्ट्रॉय फलस्तीन। अरे ब्रदर, दैट लैंड इज लैंड ऑफ लेजेंड्स, ओके, यू डोंट नो द प्रोफेसी, यू डोंट नो क्या होने वाला आगे, ठीक है। प्रोफेसी समझते हो, जो उस जमीन पे होने वाला है ना वो ऑलरेडी लिखा गया है, ठीक है। That is very holy land, ठीक है, sacred land actual में। अरे मैं तो इतना ही बोलूंगा भाई, जो जो किसी पे जुल्म करे ना उसके साथ ऊपर वाला जुल्म करना चाहिए। देखो मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं जानता हूँ कि लोग फिर पूरा वो हो जाते, बट जो गलत करेगा उसके साथ गलत होना चाहिए, है ना। और इसके ऊपर LR7 मून ने भी अपने इंस्टा पे ये स्टोरी शेयर किया, तो हम भी ये चाहेंगे कि ये वार बहुत ही जल्दी खत्म हो जाए क्योंकि इसके वजह से काफी सारे बेगुनाह लोगों का मौत हो रहा है। वैसे इस वार के बारे में आपको अगर पता है तो इसके ऊपर आप लोगों का क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताना। बात करते हैं गेमिंग ओरा के बारे में, तो गेमिंग ओरा ने ये कहा कि वो 4 दिन तक बैक टू बैक वीडियो लाएंगे और ये सब वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। और इसी के रिगार्डिंग गेमिंग ओरा ने अपने इंस्टा पे एक स्टोरी शेयर करते हुए क्या कहा था, सुन लीजिए। तो गाइस 4 दिन का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है, मतलब रेगुलर वीडियोस 4 दिन तक आने वाली है और वीडियो रिकॉर्ड कर लिए 4 दिन की। तो अब दिन में 12 बजे डेली रिपीट करना, कल से ही सिलसिला शुरू होगा और सारी की सारी वीडियोस बहुत कमाल की इंफॉर्मेशन के साथ आ रही हैं, तो बस यही है। और टीजी लेजेंड ने अपने 5 ईयर्स का फ्री फायर करियर के ऊपर एक वीडियो अपलोड किया और इस वीडियो में लेजेंड ने काफी पुराने क्लिप्स यूज किया। वैसे आपको अगर उनका ये वीडियो देखना है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो गाइस ये था आज का कुछ न्यूज और अपडेट, तो आपको अगर ऐसे रेगुलर न्यूज वीडियो देखना है तो आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कीजिए ताकि आपको रेगुलर न्यूज वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो अभी हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।